गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर 26 सितंबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। 27 सितंबर को लखनऊ होंगे रवाना। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 संक्रमण और JEES की रोकथाम संबंधित बैठक। सैंपल कलेक्शन कम होने पर MOIC बांसगांव बेलघाट डेरवा जंगल कोडिया तथा पिपराई से मांगा स्पष्टीकरण। कहा लापरवाही बरतने वालों पर करे कड़ी कार्रवाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे द्वारा दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। श्रद्धा सुमन किया अर्पित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने जिले में कोरोना संक्रमण की चुनौतियों की समीक्षा। टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाते हुए होम आइसोलेट किए गए मरीजों के स्वास्थ्य के उत्तम देखभाल के दिए निर्देश। मंडलायुक्त ने लिया एम्स के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा। कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। कहा मजदूरों की संख्या बढ़ाकर निर्माण कार्यों में लाएं तेजी। सपाइयों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। बिल को उत्तर प्रदेश में लागू न करने की मांग। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित किसान बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। किसान बिल को वापस लेने की मांग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में पहली बार आयोजित हुई जेल लोक अदालत। 59 में से 6 पत्रावलियों का किया गया निस्तारण। सचिव राहुल कुमार सिंह ने कहा अब प्रत्येक माह आयोजित होगी जेल लोक अदालत जिससे हो सकेगा मुकदमों का निस्तारण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय जीवन दर्शन एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विषय पर एक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा एकात नाम से मासिक न्यूज पत्रिका का किया गया विमोचन। आलू प्याज के दामों में हुई बढ़ोतरी से नागरिक हुए परेशान। फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री ने कहा पैदावार कम होने से बढ़े दाम, कुछ दिनों बाद मिलेगी राहत। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 141 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,779। एक्टिव मरीज हुए 1285। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किसान बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। बिल को रद्द करने की मांग। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। बहलगंज पुलिस ने 10 साल की दलित बच्ची से छेड़खानी करने वाले पास्को एक्ट सहित कई धाराओं में वांछित अभियुक्त राम आशीष यादव को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और विश्व फार्मेसिस्ट दिवस के अवसर पर डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में महिला चिकित्सालय गोरखपुर के सभागार कक्ष में गोष्ठी का किया गया आयोजन। कोविड-19 के जारी गाइडलाइन का किया गया पालन।